दोस्तों 5 मई को द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मूवी ने रिलीज होते ही ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस पूरी मूवी में एक एक्ट्रेस है जिनके अभिनय की हर तरफ तारीफ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अदा शर्मा के बारे में। तो दोस्तों, आज की स्टार्स लाइफ स्टोरी की इस वीडियो में हम बात करेंगे अदा शर्मा के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। अगर आप अदा शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका पूरा नाम अदा शर्मा है। इनका निकनेम एड्स और रजनी स्पाइडर है। प्रोफेशन से यह एक एक्ट्रेस और मॉडल है। इनका जन्म 11 मई 1992 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनका पालन पोषण केरल के एक मलयाली प्लक्कड़ अय्यर परिवार में हुआ था। आज 2023 के हिसाब से ये 31 इयर्स की हो चुकी है। बात करें अगर इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में तो इनकी हाइट 5 फीट 7 इंच है। इनकी आईज का कलर ब्लैक है और इनके हेयर्स का कलर भी ब्लैक है। इनका रिलीजन हिंदू है और इनकी नेशनैलिटी इंडियन है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई ऑक्सिलियम कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई से की है। इसके बाद इन्होंने नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस यूनिवर्सिटी मुंबई से अपने डांस की शिक्षा ली है। बात करें अगर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो ये कथक में ग्रेजुएट है। दोस्तों, अदा शर्मा कथक, सालसा, जैज, बैले और बैली की एक ट्रेन डांसर है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। दोस्तों, इनके फादर का नाम एसएल शर्मा है जो कि मर्चेंट नेवी में एक कप्तान थे। उनकी माता का नाम सेला शर्मा है जो कि एक क्लासिकल डांसर है। दोस्तों, अदा शर्मा अपने माता पिता की एक लौती औलाद है। बात करें अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो ये अभी अनमैरिड है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। दोस्तों, अदा शर्मा को 2008 की बॉलीवुड मूवी 1920 में लीजा सिंह राठौड़ की भूमिका के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अदा शर्मा जब 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी तभी उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें बड़ी होकर एक एक्ट्रेस बनना है। दोस्तों, इनकी बॉलीवुड डेब्यू मूवी का नाम है 1920 जो कि 2008 में आई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इनकी तेलुगु डेब्यू मूवी का नाम है हार्ट अटैक जो कि 2014 में आई थी। इनकी तमिल डेब्यू मूवी का नाम है इधु नम्मा आलू जो कि 2016 में आई थी। इनकी डेब्यू कन्नड़ मूवी का नाम है राणा विक्रमा जो कि 2015 में आई थी। इसके बाद 2014-15 में इनकी एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम पुकार है, जिसमें इन्होंने आरती के रूप में काम किया था। इसके बाद वर्ष 2019 में इनकी एक शॉर्ट हिंदी मूवी आई थी जिसका नाम टिंडे था, जिसमें इन्होंने श्रीदेवी के रूप में काम किया था। साल 2020 में इन्होंने MX प्लेयर वेब सीरीज पति पत्नी और पंगा में एक ट्रांसजेंडर महिला की भूमिका निभाई थी। साल 2021 में इन्होंने सिंगर आस्था गिल के म्यूजिक वीडियो ड्रंक एंड हाई में देखा गया था। इसके बाद साल 2022 में अदा शर्मा को यासिर देसाई के म्यूजिक वीडियो पियारे पिया में एक्टर आसिम रियाज के साथ देखा गया था और अब साल 2023 में द केरल स्टोरी मूवी में देखा जा रहा है, जिसमें इनके एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। दोस्तों, इनको ग्लैमरस फोटो और फिटनेस वीडियो के लिए भी जाना जाता है। इन्हें कई मैगजीन के कवर पेज पर भी चित्रित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी हॉबीज के बारे में। दोस्तों, अदा शर्मा को मूवी देखना, पियानो बजाना, लोगों की नकल करना, कविताएं लिखना बहुत ही पसंद है। बात करें अगर इनके फेवरेट फूड के बारे में तो इनको सांबर चावल, रसम चावल और पिज्जा पसंद है। दोस्तों, अदा शर्मा शुद्ध शाकाहारी और पेटा से जुड़ी हुई है। इनकी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम है माधुरी दीक्षित, मधुबाला और वैजयंती माला। इनके फेवरेट एक्टर का नाम है रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन। दोस्तों, अभिनेत्री अदा शर्मा को जानवरों से काफी लगाव है। इनके पास एक पालतू कुत्ता भी है जिसकी तस्वीरें वे अक्सर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है।
चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके पास एक कार है जिसका नाम है हुंडई क्रिएटा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अदा शर्मा की नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों इनकी नेटवर्थ 10 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोस्तों ये थी अदा शर्मा की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।